तो गाइज मैं अभी जागीरोड पेपर मिल क्रॉस करने के बाद देवखाल करके एक टेंपल है वो टेंपल तक अभी पहुंच चुका हूं। मैं आपको दिखाऊंगा चारों ओर, ठीक मेन रोड के सामने ही है। काजीरंगा जाते जाते ये आपको खाने का मौका मिला, सो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा टेम्पल है और यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होने की भरपूर मात्रा में चांसेस है, सो इसीलिए यहाँ पे बहुत आदमी लोग आते हैं, बहुत भक्त जन यहाँ पे पूजा उजा करके अपने डेस्टिनेशन की ओर चले जाते हैं। तो चलिए इससे आगे और भी है एक्साइटेड जगह, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो हे गाइस, हाय व्हाट्स अप, हाय मायसेल्फ डी जिंकिनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। वन सेकेंड। And this is breakfast time. এখানে বনা পড়েছিল পরোটা। जस्ट पहुंचने वाले हैं चारली में, हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। अरे बेले से ले जा, मशीन ऐसा कोपर से बेले ले जा। नानू नानू ए नानू ए नानू खाई लो अगरे।
stay tuned, guys. फाइनली पहुंचते काजीरंगा तो पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ पे रिजॉर्ट का थोड़ा सा मामला खराब चल रहा है, क्योंकि जो वाला रिजॉर्ट हमने बुक किया था वो रिजॉर्ट इतना पसंद नहीं आया, इसीलिए हम लोग एक रिजॉर्ट देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे अगर अच्छा लगेगा तो रहेंगे। चलिए मैं आपको भी दिखा दूंगा क्या हाल है, कैसा सिचुएशन है और किस टाइप का रिजॉर्ट है। बाप रे, इतना सारा आदमी है रिजॉर्ट ढूंढते ढूंढते अभी हम लोग गांव के बीचों बीच खड़े हैं। कच्चा रास्ते से गुजर रहा हूं, पता नहीं कैसा है रिजॉर्ट, देखना पड़ेगा। अभी मैं जिस जगह में हूं मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों साइड से फील्ड है। फाइनली हम लोग जिस रिजॉर्ट पे पहुंचना चाहते थे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए आपको व्यू दिखा देते हैं कैसा है, अंदर में भी दिखाएंगे और बाहर में भी दिखाएंगे। कम ऑन, लेट्स गो। नानू, कम ऑन, कम हियर। तो फाइनली हम लोग रिजॉर्ट सिलेक्ट कर चुका है और ये रिजॉर्ट है आपका बोकाखाट से पहले ही आपको मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है, मेन रोड से लगभग आपको 8 से लेके 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। और अभी जिस रिजॉर्ट पे खड़ा हूँ वो रिजॉर्ट एक्चुअली गवर्नमेंट चलाते हैं, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने की कोई भी सुविधा नहीं है, खाली रूम है, वहाँ पे फर्नीचर्स है, मगर वहाँ पे टीवी वगैरह ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ गीजर है, एसी भी शायद यहाँ पे नहीं है। मैं अभी एक फील्ड पे हूँ जहाँ पे आपका ये वॉलीबॉल का एक प्लेग्राउंड है और कुछ भी आप गेम आसानी से खेल सकते हैं। और यहाँ पे रूम का प्राइस है 1660 रुपीस, ऑलमोस्ट मतलब 1700 रुपये मान लीजिए सिर्फ रहने का एक दिन का, और एक है 1460, मतलब 1500 रुपया मान के चलिए आप। प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जहाँ पे रिजॉर्ट है आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे एक गेट है जहाँ पे यहाँ से आपको सफारी के लिए जा सकते हैं, बहुत अंदर तक यहाँ पे जा सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं जितना हो सके देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए नेचुरल ब्यूटी जो है। और यहाँ पे एक छोटा सा नदी टाइप का है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक नदी है, बंद पड़ा हुआ नदी है, और मछली भी मार सकते हैं आप लोग। सो दैट इज़ इट। और रिजॉर्ट में बहुत सारा हम लोग फन ज़रूर करेंगे और यहाँ पे कैंप फायर भी हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे बोकाखाट और बोकाखाट से क्या क्या वहाँ पे देखने को मिलता है देखते हैं क्या होता है। लेट्स मूव इट।
सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोलिए। ये चैप्टर 2 है इसीलिए यहाँ पे ही आज ख़त्म करना पड़ रहा है। आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहिए क्योंकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आ रहा है। बैक टू बैक मैं यही काजीरंगा के ऊपर ही मैं वीडियो कर रहा हूँ, आप सभी को पता ही चल रहा है। कुछ अगर जानकारी है, कुछ अगर आपको बोलना है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके बोल सकते हैं। बस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय होम, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बेटो, नमस्कार। नमस्कार। लिखवा से।